काल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत निघा जी आया नूं आखदे हां जी। एक बारी फिर दविंदर कौर फाउंडेशन दे फेसबुक पेज ते असी लाइव हां और सीख रहे हां मां बोली पंजाबी, मिठी भाषा पंजाबी। सीखण वाले सारे विद्यार्थी मुबारक दे पात्र ने और इस टाइम 500 तो ऊपर विद्यार्थी साडे जूम ते नाल जुड़े हुए ने। हर क्लास विच साडी कोशिश रहिंदी है कि असी किसी ना किसी गेस्ट प्रोफेसर नूं तुहाडे सामने रूबरू कराइए ताकि वो आके दसन, अपने एक्सपीरियंस दसन कि मां बोली पंजाबी जद उन्हां ने पढ़ी ते वो समाज विच आए ते किस तरीके नाल उन्हां ने मां बोली पंजाबी दा मान सत्कार वधाया ते किस तरीके नाल बोली ने उन्हां दा मान सत्कार वधाया। ते आओ जी, आप जी दी अज दी मुलाकात कराइए विद्यार्थियों। मैं दासदा कवलजीत सिंह खालसा सर, गुरु नानक पब्लिक स्कूल रजौरी गार्डन, डिविनिटी दे उत्थे टीचिंग दे रहे ने और उस तो बाद भी वो निरंतर निष्काम भावना नाल गुरु घर दे सेवक पंजाबी और सिख इतिहास दी जेड़ी अपने अंदर छुपी अपने प्रतिभा जेड़ी है वो साडे नाल सांझी करदे ने। तुसी उन्हां तो इंडिविजुअल क्लास भी लै सकते हो। ते आओ जी, तुहाडे नाल मुलाकात कराने आ सरदार कवलजीत सिंह खालसा सर दी। कई बच्चे उन्हां नूं जानदे होणगे, कई बच्चे उन्हां कोल पहली वारी मिलणगे, लेकिन मां बोली पंजाबी दे अयो जे सेवक, अयो जे दास वर्गे वीरां दी बहुत बहुत जरूरत है अज समाज नूं, अज कौम नूं, ताकि वो पारदर्शिता नाल समाज दा दर्पण कर सकण। मैं कवलजीत वीर जी नूं दस दवां कि इत्थे जी 500 तो उपर विद्यार्थी साडे नाल जुड़िया होया है। कवलजीत सर, तुसी अनम्यूट प्लीज। हां जी, हां जी वीर जी, वाहिगुरु जी जी, का वाहिगुरु जी खालसा, का वाहिगुरु जी की खालसा, फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। वीर जी, 500 तो उपर विद्यार्थी साडे नाल जुड़िया होया है और एदे च जी ना कोई उम्र दी सीमा है, ना कोई धर्म दी सीमा है। ते मां बोली पंजाबी नूं प्यार करन वाले सिर्फ उन्हां दे वडे वडेरे भी इस भाषा जी। हाँ जी भैन जी, आप जी की आवाज मैनू नहीं आ आ रही। सर, तुसी क्लास शुरू कर सकते हो, तुसी अच्छा ठीक स्पॉटलाइट पे हो, तुसी क्लास शुरू है करो। जी, वाहेगुरु ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैनू सदा देने वास्ते। सब तो पहला वाहेगुरु मैं जी का। सारे कैंपर्स नू, सिखियार्थियों नू, विद्यार्थियों नू जी आया कहना है ते मुबारकबाद देना है कि तुसी सारे ही अपनी मां बोली पंजाबी दे नाल जुड़न दा उपराला कर रहे हो। ऑर्गेनाइजर्स भी वधाई दे पात्र ने जिन्होंने उद्यम किया है ते सीखण वाले भी, सीखण वाले सिखाउण वाले दोनों ही बहुत बहुत मुबारक दे पात्र ने। ठीक है, कहते ताड़ी दो हाथों नाल वजदी है, सो असी ओ वाली ताड़ी वजान बैठे हैं। ठीक है जी, सो पंजाबी भाषा मैनू जिहड़ा विशा दिता गया है कि मैं तुहाडे नाल थोड़े जे लफ्ज़, चंद क लफ्ज़ सांझे करने ने कि पंजाबी भाषा की महत्ता है, की इंपोर्टेंस है, की लोड़ है, ते सिख पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है भी आपां गल करांगे ते अदरवाइज भी गल करांगे। तो सब तो पहला तो सानू यह गल चंगी तरह, बहुत चंगी तरह नाल समझनी पएगी कि पंजाबी ते गुरमुखी, पंजाबी ते गुरमुखी पंजाबी भाषा है, गुरमुखी उसकी लिपि है। जिवें हिंदी भाषा है देवनागरी उसकी लिपि है, जिवें अंग्रेजी भाषा है रोमन उसकी स्क्रिप्ट है, उसकी लिपि है। सो सानू यह गल बहुत चंगी तरह समझनी पवेगी कि पंजाबी ते गुरमुखी सिख का मूल है, मुढ़ है, बेस है, जीवन है। जे पंजाबी नहीं, गुरमुखी नहीं, ते सिख नहीं। इना क्यों, इस तरह क्यों? हुण सिख दा पंजाबी नाल अजिहा संबंध है
ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ। ਇੰਜ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਭਗਤ, 11 ਪਟ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਚ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਡੀਅਮ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਸ ਨਿਰਾਲੀ, ਉਸ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਤੋੜੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸੇਧਾਂ, ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸੋਚ, ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ 84 ਵਰਗੇ ਜੀਨੋਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੋਗੇ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਐੜੇ ਈੜੀ ਸੱਸੇ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਤੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗ ਵੇਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਉਸਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਰੀ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜਾਇ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਕਲਾਮ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਥੋਂ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮ ਏ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਕਲਾਮ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਵੇ ਕਲਾਮ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੜੀ ਸੌਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਿਕ ਮੁੱਢੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੰਗ ਦਾ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬੁੱਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬੁੱਲਾ ਅਗੇਨ ਇਹ ਬਤਾ ਸੂਫੀ ਸੇਠ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਸੋ ਮਿਲੇ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਿਕ ਮੁੱਢੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੰਗ ਦਾ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ ਮਿਡੀਵਲ ਐਰਾ ਦਾ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਦਾ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਦਾ ਹਾਂ ਰਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀ ਅਕਲ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਪੋਇਟ ਨੇ ਸੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ
ठीक है। सो इहदी ही रचना है त्रै मावां, तीन मावां, ठीक है जी, तीन मावां की गल करता है धनी राम चात्रिक। की नाम लिया मैं, तुम बोलोगे पिछे जी, हाँ जी की नाम दसिया मैं, धनी राम चात्रिक। हाँ एक बार बोल सकते हो, की नाम दसिया जी मैं, धनी राम चात्रिक। सो धनी राम चात्रिक लिखता है, कहता जी पहली माता लक्ष्मी देवी, उसकी मदर का नाम जिसने जन्म दिता लक्ष्मी देवी, जिसने जन के अतुल सिखाई, पढ़ गुण जोबन मान जवानी, उमरा 36 साल हंडाई, उसे दिया असीसा लै लै भलिया लोगों की छो पाई, रज के सेवा करा उसकी मनुखता जिस पासों आई, मनुखता आई उसके पासों मैनू, ठीक है जी। अपनी माँ लक्ष्मी देवी की गल करता है। सो दूजी अम्मा कहता है भारत माता, जेडे मुल्क दे विचकार मैं जन्म लिया, जिस दी मिट्टी मैनू जनिया, उसकी भगती करता करता कहता मैं पंजाबी शायर बने। एक इतफाक करा दिया, सारी उम्र बीत गई मेरी, ओणक दुध विच कांजी पा गया कोई विदेशी फितना छड़िया, तीजी मां कहता पंजाबी बोली, थर्ड मां थर्ड मदर कहता मेरी पंजाबी बोली मां बोली, कहता तीजी मां पंजाबी बोली बचपन विच मां पासों सीखी। हुण बड़ी ही क्लीयर गल है कि मां बोली क्यों कहा जाता है, जिहड़ी मां पासों भाषा सीखी जाए, जिहदे च मां कदे प्यार करदी है ते कदे डांट लैंदी मिठी मिठी, है ना। सो उह बड़ी बोली मां बोली, तो तीजी मां पंजाबी बोली बचपन विच मां पासों सीखी, धोती मांजी पहनी पचरी नजम नसर, नजम कहिंदे कविता नूं, नसर कहिंदे कहानी, बोली ते सीखी जिहदे विच मैं सीखी, कहानियां सुनियां सीखियां, कवितावां बोलियां सीखियां, मतरेई नूं परे हटा के पटराणी नूं तख्त बहाया, इहो जिही मनोहर मिठी होर कोई बोली नहीं दिती। कौन कहिंदा जी, धनी राम चात्रिक कह रहा है कि मैं इहो जिही मनोहर ते मिठी बोली होर कोई नहीं दिती। इसे तरह फिर जी मियां अब्दुल अजीज अगेन मुस्लिम पोएट, ही राइट्स पंजाबी बोली विच सब सिफतां मौजूद हन जिहड़ियां इसनूं एक उच्चे दर्जे की साहित्यक बोली लिटरेरी लैंग्वेज बनाउण लई काफी हन। पंडित राम शरण दास पंजाबी जबान, वह कहिंदे ने पंजाबी जबान कोई भुखी नंगी जबान नहीं, ठीक है, सारियां क्वालिटीज इस लैंग्वेज विचकार मौजूद ने, पंजाबी जबान में सब कुछ मौजूद है, सिर्फ खोजण की लोड़ है। सो बलराज सानी फेमस फिल्म एक्टर जिहड़ा कि पंजाबी विच पंजाबी होंदिया पंजाबी विच लिटरेचर नहीं सी लिखदा, इहदी मुलाकात होई रविंद्रनाथ टैगोर दे नाल, रविंद्रनाथ टैगोर तों बाद मुलाकात दे विचकार रविंद्रनाथ जी ने पुछिया वी तुसीं लिखदे हो किहड़ी भाषा च लिखदे हो, ठीक है ते तुहाडी मां बोली किहड़ी है, कहिंदा मां बोली पंजाबी, कहिंदे पंजाबी लिखदे हो, कहिंदा पंजाबी कौन पढ़दा, ठीक है जी। ते रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हां नूं दस्सिया कि देखो बंगाली जिहड़ी मेरी मदर टंग बंगाली है, मैं बैंगला दे विचकार लिखदा है, ठीक है जी। सो सारियां नूं ते बंगाली आंदी नहीं, तुसीं उहदे विचकार क्वालिटी ही इन्नी पाओ कि बंदा आप उसनूं लै के पढ़े, उहनूं भाषा सिखे पहलां, ठीक है। तो इस तरह की मिसाल साडे कोल पंजाबी च मिलदी है, नानक सिंह नाम का नावलकार है, ठीक है जी, जिन्हें लगभग 4 dozen नॉवल्स दिते ने, 4 dozen नॉवल दिते नानक सिंह ने पंजाबी साहित्य जगत नूं, ये नाम बड़े उहदे गजब दे ने, पवित्र पापी, अध खड़िया फुल, चिट्टा लहू, एक म्यान दो तलवारा, ठीक है जी, इस तरह के नावल दिते ने नानक सिंह ने पंजाबी साहित्य जगत नूं 48। ते कहिंदे ने उसनूं नावलों का पितामा कहा जाता है नानक सिंह, ते कहिंदे ने कि लोगों ने स्पेशली पंजाबी भाषा सीख सीख के उसके नावल पढ़े, ठीक है। प्रोफेसर पूरन सिंह जी का बड़ा सारा तुहानूं लिटरेचर इंग्लिश दे विचकार लभेगा, प्रोफेसर पूरन सिंह, ते उन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है ऑन द पाथ्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इसनूं बाद दे विचकार किसी ने पंजाबी दे विचकार तर्जमाया, ही वाज स्टूडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम टोक्यो यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। सो जदों अपने मुल्क वापस परतिया प्रोफेसर पूरन सिंह, फिर अपनी मिट्टी प्रति प्यार जागया, फिर पंजाबी च लिखना शुरू किया प्रोफेसर पूरन सिंह, ठीक है। खुले कुंड खुले आसमानी रंग, ठीक है जी। सो खुली कविता का सिरजक अज उसनूं पितामा अपना खुली कविता का जन्मदाता कहा जाता है प्रोफेसर पूरन सिंह। तो मैं हुणे जिहड़े बलराज सानी की गल की, अज पंजाबी साहित्य जगत के विचकार डायरीकार के वजो मौजूद है, मशहूर है, ठीक है जी। मेरा पाकिस्तानी सफरनामा उन्हां दी मशहूर रचना है, बलराज सानी दी, फेमस फिल्म एक्टर। तो इस संबंधी मैं थोड़ा जहा शायद मैं लग रहा है कि समा मेरा वध रहा है, पर मैं जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करदा। इस नाल संबंधित पंजाबी सभना की हरमन म्यारी प्यारी भाषा है, मैं इहदे नाल संबंधित एक छोटी जी कविता भी लिखी, ठीक है, तुहाडे नाल सांझी कर रहा, शायद तुहानूं चंगी लगे। माँ अपनी वांग चंगी लगती, माँ अपनी वांग चंगी लगती, सानू अपनी मिठी बोली, सभना की हरमन प्यारी बोली,
सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ सिख दी नहीं है, सबना दी हरमन प्यारी बोली, साड़ी बोली सब दी बोली पंजाबी जी, पंजाबी साड़ी मां बोली पंजाबी। फिर अगे गल होर ध्यान करन दी गल है, जिवें मामियां मासियां ताइयां सारियां सत्कारयोग ने, हिंदी उर्दू ठीक है, फ्रेंच जर्मन इंग्लिश सब कुछ सीखो, जिन्निया भाषावां सीखोगे ठीक है उन्ना ही ज्ञान वाधा हुंदा है, ठीक है उन्नी तुहाडी वोकैबुलरी वधदी है। सो जिवें मामियां मासियां ताइयां ने सब सानू चंगियां लगदियां, इवें इंग्लिश हिंदी उर्दू भी सब सानू चंगियां लगन, पर जिथे साडी मां खलोवे उथे ना कोई होर होवे, जिन्नी रिस्पैक्ट जिन्ना प्यार मां दे नाल हुंदा उन्ना होर किसे नाल तां नहीं हो सकदा, ठीक है। सो जिवें मामियां मासियां ताइयां ने सब सानू चंगियां लगदियां, इवें इंग्लिश हिंदी उर्दू भी सब सानू चंगियां लगन, पर जिथे साडी मां खलोवे उथे ना कोई होर होवे, इसलिए ना कदे असीं इह भुलीए पंजाबी साडी मां बोली है, जी ला के असीं गुरमुखी सिखीए, सिख गुरुआं दी शिंगारी बोली साडी बोली सब दी बोली पंजाबी जी पंजाबी साडी मां बोली पंजाबी। आओ सारे प्रणज करिए, प्यारी प्यारी मां अपनी नू सिर ते असीं बिठावांगे, पहला इसनू आप सिख के होरना नू सिखावांगे, पंजाबी साडी मां बोली है, इसनू गल नाल लावांगे, ना इसनू कदे भुलावांगे, ना इसनू कदे रुलावांगे, ना इसनू कदे भुलावांगे, ना इसनू कदे रुलावांगे। सो असी सब पंजाबी दे पहरेदार बनना है, ठीक है जी। सो पंजाबी पढ़ के असी सिर्फ पंजाबी सिर्फ बाणी वास्ते ही नहीं, पंजाबी पढ़ के असी होर बथेरा कुछ कर सकते हैं, जिवें कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर टीचिंग, ठीक है, इसी तरह यू कैन गो फॉर टीवी न्यूज़ रीडिंग, यू कैन गो फॉर रेडियो न्यूज़ रीडिंग, ठीक है जी। फिर तुसी फौज दे विच भी जा सकते हो, उत्थे जूनियर कमिशनड ऑफिसर द रैंक ग्रंथी की सेवा मिलती है, ठीक है जी, जे तुहाडे फिजिकल स्टैंडर्ड्स ओके ने। ते इसी तरह ही तुसी यू कैन बी IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे विचकार तुसी जा सकते हो पंजाबी लैके, ठीक है, पर उहदे विचकार तुहानूं स्कूली पढ़ाई दे विचकार पंजाबी होनी चाहीदी है, फिर अप टू ग्रेजुएशन लैवल, ठीक है। सो यह मैं अपनी गल नूं वाइंड अप करदा, मेरा समा बहुता हो गया, वैसे मैं सोच रहा सी जी होर तुहाडे नाल गल्लां करन वास्ते, ठीक है जी। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है सब दा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी गगनदीप वीर जी। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरी आवाज आ रही है वाहिगुरु जी? गगनदीप सिंह वीर जी, गगनदीप सिंह सर तुहाडी क्लास नूं चलाणगे, ठीक है जी। हाँ जी असि बड़े धन्नवादी हाँ कवलजीत सिंह खालसा सर जी दा, जिन्होंने अपना इतना कीमती समा कट के सानू पंजाबी लैंग्वेज दी इंपोर्टेंस समझाई, है ना। सो आओ असि सारे अज दी क्लास नू शुरू करदे हां, और सर दा थैंक यू करदे हां फतेह बुला के। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सर असि उम्मीद करदे हां कि अगे भी जदों आप जी नू याद किया जाएगा कदी एक दो क्लासां दा समा होर दवोगे आप। हाँ जी, सो प्यारे बच्चे सर सानू की दस रहे सन, सर दस रहे सन कि पंजाबी सिर्फ सिखां दी भाषा नहीं है, पंजाबी असी ये ना समझे कि गुरु अंगद देव जी ने ही बनाई है, गुरु अंगद देव जी ने उसनू मोहर लगा के जिवें उन्हां नू ना लग्या कि ये भाषा बड़ी ईजी है, तो उन्होंने इसनू स्टैंप लगा दी कि इस भाषा में तुसी गल करोगे समझोगे तो ज्यादा ईजी होगा, तो इस करके भाषा की लिपि का नाम पिया गुरमुखी। बट गुरु साहब तो बहुत पहले भी यह भाषा से, जिवें असी देखते हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भी सब तो पुराने भगत हुए भगत फरीद जी, तो उन्होंने पूरी बाणी पंजाबी भाषा में, यानी गुरु नानक साहब तो तकरीबन 300-400 साल पहले हुए, 1160 के नेड़े तेड़े, तो उन्होंने भाषा भी पंजाबी सी, यानी पंजाबी वॉज वेरी ओल्ड लैंगुएज। एक वीडियो मैं यूट्यूब पर देखता सी, वो कह रहे थे पंजाबी 5,500 साल पुराने भी इसके सबूत मिलते हैं कि भाषा है, इसका मतलब है पंजाबी, इसका मतलब है पंजाबी सिर्फ सिखां दी भाषा नहीं है, पंजाबी सारियां दी हरमन प्यारी भाषा है। अवनीत कौर भैन जी जे तुसी क्लास विच हो तो मेरी वीडियो नूं स्पॉटलाइट ते कर दो, क्योंकि साडे कोल टाइम घट है और असी बोर्ड ते लिखवाना शुरू करना है। सो बच्चे आर यू रेडी अज दे लेसन लई, आर यू ऑल रेडी, सारे रेडी हैं,
कल का लेसन होमवर्क किस किस ने किया था, जस्ट टेल मी, हरी अप, किस किस ने किया था? अगर कल का होमवर्क नहीं किया होगा तो आज बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना, क्योंकि आज हमने सारी मुहारनी, आज हमने सारी मुहारनी कंप्लीट कर लेनी है, सॉरी कंप्लीट हो जाएंगे। चलो पहले देखें हमने कौन कौन से अभी तक अक्षर सीख लिए हैं, सीरियल वाइज नोट करना शुरू करते हैं। 41 लेना टोटल, 35 वैसे हम इसको पैंती अखरी कहते हैं, प्लस 6 जो है वो बिंदी वाले अक्षर है। देखते हैं कौन कौन से हमने कंप्लीट करे हैं, सीरियल वाइज मैं लिखूंगा, आप सबने भी सीरियल वाइज लिखना है, ठीक है? उड़ा, एड़ा, बोल बोल के लिखेंगे ताकि हमें याद रहे, ईड़ी, सस्सा, हा हा, जो हमने नहीं करा होगा उसकी जगह हम बॉक्स बना देंगे, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, नंगा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, न्यन्या, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, णाणा, तत्ता, थत्था, दद्दा, इधर ए नहीं कीता, तद्दा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, पप्पा, फफ्फा, फफ्फा कराया सी उन्हें, नहीं कराया ना, पप्पा भी नहीं कराया, इधर पॉज, मतलब पप्पा, फफ्फा, बब्बा ए भी नहीं कीता, पब्बा कर लिया, मम्मा, यैया नहीं कीता, रारा, लल्ला, वव्वा, डाड़ा, ए कर लिया। इस तो बाद बिंदी वाले शब्द आंदे न, असी शायद बिंदी वाले केड़े केड़े कीते न, शशे पैर बिंदी, शे पैर बिंदी, श बोले, उस तो बाद अगर बिंदा बोले, खराए, खके पैर बिंदी, ख बोले, गग्गे पैर बिंदी, ग बोले, जज्जे पैर बिंदी, ज बोले, फफ्फा पैर बिंदी, ये ए होने ऐसी नहीं कीता, और लल्ला पैर बिंदी, ल बोले। देखो असी ए पूरी वर्णमाला, जिसनु हिंदी विच वर्णमाला कहंदे है, ए पूरी लिख ली है असी। अवनीत पंज जी मेरी वीडियो स्पॉटलाइट ते है, मैं उधर बोर्ड ते देख रहा सी। हां जी वीर जी, तुसी स्पॉटलाइट ते हो, स्पॉटलाइट ते हो। ठीक है जी, ठीक है जी, मेरी वीडियो नु पिन कर लो बेटा, जेडे कह रहे ने बोर्ड क्लियर नहीं है, मेरी तरफ बिल्कुल बहुत अच्छा नेटवर्क है आज, पिन कर लो, वड्डी दिखेगी। देखो असी पूरी मुहारनी लिख देती है, असी लाइंस काउंट कर लेंगे, कितनी लाइंस होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5s are 35, तो पहले ए कंप्लीट हो गई 35, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स, 6 अल्फाबेट ए हो गए, ठीक है? तो साढ़े को आगे 41, हुन साढ़े को किन्ने अक्षर रहिंदे हन, अज असी किन्ने अक्षर सीखने, साफ दिख रहे जेडे बॉक्स ने, 1 2 3 4 5 6, अज असी 6 अक्षर सीखने हैं। उस तो बाद सोचो अज 7वां दिन है और साढ़े सारा लेसन कंप्लीट हो गया पंजाबी मुहारनी का, मात्रावां और लगां अक्षर असी पहले ही कर लिया सी, है ना? सो अज असी ऑलमोस्ट पंजाबी का एक बहुत मोटा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो तुहानू रिक्वेस्ट करदा एक बार देखो, जे मैं रिफ्लेक्शन ये हटावा लाइट दी ते बोर्ड ज्यादा क्लियर है, एक बार देखना, मैं ये वाली लाइट बंद कर रहा, तुसी दसना मैनू। हुन बोर्ड ज्यादा क्लियर है, दसो यस और नो, अगर ज्यादा क्लियर है तो इसे तरह रहन दिंदे आ, नो है तो फिर असी लाइट ऑन कर दिंदे आ, लाइट ऑन कर दा, अदे यस कह रहे हैं, अदे नो, पता ही नहीं चल रहा। वैसे भी जिधर रिफ्लेक्शन पै रहा हो तुसी लिखना ही नहीं है पोर्शन, इधरों देखो, ओड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हा हा,
कक्का खक्खा गग्गा घग्गा ngंगा चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा ञ्ञा टेंका ठठा डड्डा टड्डा णाणा तत्ता थत्था दद्दा इधर आएगा तद्दा होने सिखाएंगे नन्ना पप्पा फफ्फा बब्बा होने सीखना है पब्बा मम्मा यैया सीखने होने रारा लल्ला वावा डाड़ा सस्से पैर बिंदी श बोले खखे पैर बिंदी ख बोले गग्गे पैर बिंदी घ बोले जज्जे पैर बिंदी ज बोले इधर आएगा फफे पैर बिंदी फ बोले फिर लल्ले पैर बिंदी ल बोले। तो सी नोट कर लिया, मैं इरेज कर दिया, मैं इरेज कर दिया, ठीक है। फिर असी नवे नवे आज अखर सीख लेंगे क्योंकि टाइम बहुत घट है साढ़े को। आज असी सीखने सिमिलर सिमिलर अल्फाबेट सिमिलर लेटर्स सेम दिखते हुए अखर। तो सब तो पहले असी सीखांगे, इधर लिख देना हिंदी, बड़े ध्यान नाल करना है। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया आज उन्होंने बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो जिन्होंने होमवर्क किया उन्होंने डबल रिविजन हो जाएगी, उन्होंने बहुत जल्दी क्लियर होगा क्योंकि नाउ इट्स टू लेट। जे तुसी होमवर्क नहीं किया फिर तुहाडा पूरा समर कैंप वेस्ट हो चुका। देख दें हिंदी असी अज सीखना प, प तो मिलता जुलता है साढ़े को ध, पहले ये दो सीख लेंगे। देखो हिंदी विच असी बुलाने हैं प किवें लिखते हैं, हिंदी विच प इस तरह लिखते हैं, असी ख लिखिया सी याद है, इस तरह ख लिखिया सी उपरों कवर नहीं किया सी याद है, खखा लिखिया सी इस तरह। फिर असी एक होर अखर किया सी थत्था जड़ा उपरों कवर सी, ये भी याद है, ये याद है, नोट करो ये वाला जरा। ठीक है देखो हुन पप्पा किवें बनांगे, उपर दी लाइन भी हटा दांगे और थल्ले दी लाइन भी हटा दांगे, ते ए बन गया पप्पा। ठीक है, दिस इज पप्पा। देखो पप्पा जैसे कहते ना पप्पा क्या कर रहे हो, अरे पप्पा, पापा नूं असीं कई बार पप्पा कहंदे आ, ते पप्पा है। देखो पापा दा, पापा दी जेब हमेशा खुली हुंदी है साडे लई, इस करके उपर पप्पा का मुंह खुला है, हमेशा जेब खुली हुई है पापा की। ठीक है, पापा कभी पैसे देने मना करते नहीं तो जेब खुली है। ते उस तो बाद आना तद्दा, ये भी बिल्कुल सेम है पर इसका मुंह बंद है। हुण जदों असीं कहिंदे चलो ध्यान लगाओ मेडिटेशन करो, तो ध्यान लगाते असीं अखां बंद करते हैं या अखां खोलते हैं? अखां बंद करते हैं, ध्यान लगाने लई असीं अखां बंद कर लेंगे, ध्यान लगा रहे। देखो ध्यान लगाओ, वाहे गुरु, ते ध्यान लगाने लिए असी अखां बंद कर लेंदे हैं। ठीक है, चलो फाइव टाइम्स वाहिगुरु बोली, क्योंकि अज स्टार्टिंग दी क्लास जो असी वाहिगुरु नहीं बोलिया ना, सिमरन किया ही नहीं, ताई क्लास विच बच्चों नूं समझ नहीं आती। जॉइन योर हैंड्स, ध्यान लगाएंगे समझन लई कि ध्यान लई अखां बंद करनियां। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो इस तरह ध्यान लगाने मैं क्या सी 6-5-6 मिनट सारे सिमरन करेंगे। कौन कौन कर रहे हैं? ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर ध सीखोगे किवें? ध, ध्यान लगाने लिए अखां बंद, इसनों कहने हैं तद्धा, तद्धा ध्यान ना लिखना है, ध्यान से। ठीक है, आपने एक और चीज नोट करी है, हिंदी में उल्टा हो जाता है किसका सिर ढका हुआ है और किसका नहीं ढका हुआ। देखो अगर प लिखना है तो प हिंदी में इसका सिर ढका हुआ है पर प पंजाबी विच खुलिया हुआ है, ध का सिर खुला है पंजाबी में ढक गया। ऐसी जब हम ख और थ भी लिखते हैं तो ये भी उल्टा हो जाता है, ख का इधर सिर खुला रहता है
और इधर बंद है, और इधर थ का सिर इधर खुला है तो इधर बंद है। तो हिंदी और पंजाबी में बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। रूल समझ आया? हिंदी में जिस जिसके सिर बंद है, पंजाबी में उस उन दोनों के सिर खुल गए हैं, प और ख के। पर हिंदी में जिस जिसके खुले हैं ध और थ के, पंजाबी में उनके बंद हो गए। हालांकि हमारे रूल्स अलग है, हमने बताया था पापा की जेब खुली है तो उनका खुला ऊपर से, ध्यान देते हुए आंखें बंद करनी है तो ऊपर से बंद कर दिया। जब कहते हैं मुंह खोलो ख से तो खुल जाता है मुंह, पर थर्मस का मुंह बंद होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आइडेंटिकल वर्ड्स, ये आइडेंटिकल अल्फाबेट कौन कौन से, प ध ख और थ, पप्पा तद्दा खखा और थत्था, पा धा खा और थ। तो ये हमने आइडेंटिकल अल्फाबेट सीखे आज। ठीक है, ध्यान देना है इसको, बहुत ध्यान से करेंगे। अगर ध्यान से नहीं कर पाएंगे आप तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो सारे ने ध्यान ना लिखने हैं। तो आज अस ये दो अक्षर सीखे उन्होंने, पप्पा और तद्दा, प और ध। जेड़े हारमोनियम बजाते हैं उन्होंने ये भी पता होएगा कि सारे गामा पा धा, तो पा और धा साथ साथ आ रहे हैं इसलिए सेम भी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे हमने देखना है, पहले हम देख लेते हैं इसी से मिलता जुलता य। हिंदी में य ऐसे लिखते हैं, ये पंजाबी का क्या बना बताओ, ये हिंदी का य है और पंजाबी का ध, ये देखो सेम हो गया ना। पंजाबी में य कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे ही बनाते हैं, इतना तो ऐसे ही बनेगा, उसके बाद यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन आ जाएगी और फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, इसको कहते हैं यया। देखो कितनी सुंदर शेप है इसकी, दोबारा बनाना सीखेंगे। लुक ऑन दी बोर्ड, सारे बोर्ड पे देखेंगे, पहले य बनाया इतना, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, कवर कर दिया ऊपर से, यह बन गया पंजाबी का य। इसको हम कहते हैं यया यया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, यया। सब नोट डाउन नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूं, नोट डाउन भी तो करना है, सिर्फ पानी थोड़ी पीते रहना है, पता नहीं क्या दूध पी रहे हैं पानी पी रहे हैं, कैमरा ही स्टेबल नहीं है कहीं का, नोटबुक में बैठ के नोट भी तो करना है, टाइम वेस्ट थोड़ी करने है ऐसी कैंप बिच। यया बना लिया तुसी, जिन्हां दे येलो हैंड रेज ने सारे हैंड्स डाउन कर लो, हैंड्स डाउन करो, हैंड्स डाउन कर लो सारे, लोअर डाउन योर हैंड्स, जो डाउट्स पूछांगा उदो ऊपर करने ने, हुने सारे थल्ले करो हैंड्स। इस तो बाद असी करांगे ब और फिर करांगे फ। बब्बा, बब्बा किस तरह बनता है पंजाबी, जिवें हिंदी का घ बनता है। देखो घ ऐसे बनाते हैं हिंदी का, ऐसे बनाते हैं ना हिंदी में घ क ख ग घ, ये पंजाबी का ब होता है। बट थोड़ा नोट डाउन करने वाली चीज है कि ब में लाइन अंदर जॉइन होती है इधर ऐसे, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे एक हाफ सी डाल दो काइंड ऑफ, फिर उसके बाद ऐसे और यहाँ पे ऐसे कवर, दिस इज बब्बा। दोबारा बनाना सीखेंगे, आईज ऑन दी बोर्ड, बोर्ड पे आईज नहीं होंगी तो हम भूल जाएंगे कैसे बनाया है। दोबारा देखते हैं कैसे बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड एल, कर्व्ड एल, उसके बाद यहां से एक सर्कल लाके इसको टच कर दिया, ये हो गया बब्बा। इसको और भी बनाने के स्टाइलिश तरीके हैं हमारे पास, देखो ऐसे भी बना सकते हो बब्बा, थोड़ा सा सुंदर दिखे तक। ठीक है, अब मैं इसको आपको यहाँ बना के रख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी कहता हूँ कि लेसन्स अपने रोज रोज होमवर्क देखो, चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, आप लोग करते ही नहीं है, बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन प्रेस ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या आया लेसन आज का। बब्बा, इसको कहते हैं बब्बा, बब्बा। ठीक है, हमारे ग्रुप में
कई सारे ऐसे टीचर्स भी हैं या फिर ऐसे लोग भी हैं जिनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो वो मुझे हिंदी में भी करेक्ट करते रहते हैं। जैसे उस दिन मैंने लिखा था जंग, ऐसे लिख दिया ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जंग में चांद बिंदु नहीं आता, जंग में तो सिर्फ बिंदु आनी चाहिए थी। तो मैंने उनका थैंक यू किया कि आपने मुझे बताया। और हमने चांद बिंदु इसलिए लगाया था कि पंजाबी में जंग लिखते हुए टिप्पी लग रही थी, आपको सिर्फ बिंदी और टिप्पी में डिफरेंस बताने के लिए हमने चांद बिंदु लगाया था। और वैसे भी मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, तो मैं ऐसे टीचर्स को थैंक यू करता हूँ जो हमें साथ साथ सिखा रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल। हमने कैंप स्टार्ट होते ही कहा था कि हम सबका नाम ही पड़ गया सिख, तो हमने सीखते ही जाना है, सीखते ही जाना है ना। और पंजाबी के भी काफी उमदा टीचर्स, बड़े समझदार टीचर्स हमारे बीच बैठे हुए हैं, वो भी हमें करेक्ट करते रहते हैं। फिर वाहिगुरु जी ने उनकी भी सेवा लगाई कि चलो करेक्ट करो सर को, सर गलत ना करा दें। फिर जो वो करेक्ट करते हैं, हम वो भी साथ साथ करेक्शन देखते रहेंगे। ठीक है, फफा फ देखेंगे कैसे बनते, जैसे हिंदी में ढ बनता है देखो ढक्कन वाला, ऐसे बनाते हैं हिंदी में ढ ढक्कन वाला, इसको पंजाबी में फफा कहते हैं, बिल्कुल सेम। लिख लो फफा फफा। इसके बाद आप पहले ये नोट करो, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट पहले ये नोट कर लो, 5 लेटर्स। उसके बाद मैं आपको सारे बिंदी वाले एक बार दोबारा करा देता हूँ, जो नहीं भी करे और जो कर भी नहीं है वो एक बार दोबारा बोर्ड पे लिख देता हूँ। पहले आप ये नोट डाउन कर लो, हैंड्स डाउन प्लीज, हैंड्स डाउन, कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, लास्ट में जब डाउट पूछूंगा। अभी मैं इसलिए डाउट नहीं पूछ रहा, अगर मैंने डाउट के लिए आपका हैंड पे क्लिक करा तो मेरी स्क्रीन स्पॉटलाइट से हट जाएगी। नोट कर लिए आपने, जस्ट टेल मी यस और नो करो, नोट डाउन कर लिए, वेरी गुड। सारे यस और नो भी नहीं कर रहे, पता नहीं थके हुए, बैटरीज वीक हो गई हैं, यहाँ गर्दन के यहाँ पे ना बैटरीज लगती हैं, न्यू न्यू मेरे घर पे मिलती हैं, वो मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी गर्दन के स्प्रिंग अच्छी तरह काम करें। लूज हो गए हैं स्प्रिंग सबके, कुछ ऐसे बैठे, मैं पूछ रहा हूँ कैसी हो रही है क्लास, ऐसे बैठे घूर रहे हैं जैसे खाई जाएंगे कैमरा को। समझ आ गया आपको, बताओ स्प्रिंग, देखो मैं देखूं कैसे हैं स्प्रिंग सबके। ओके गुड, चलो आई एम रेजिंग इट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिंदी वाले शब्द सारे देखेंगे। अच्छा मुझे आप इशारा करके बताओ, फिंगर्स खोल के अपने हैंड्स की मुझे बताओ, बिंदी वाले अक्षर कितने होते हैं, कितने होते हैं बिंदी वाले अक्षर, इशारा करके बताएंगे आप मुझे हैंड्स खोल के। 4 3 5 6 6 यस, 6 इज द करेक्ट वन। बिंदी वाले 6 अक्षर होते हैं, साढ़े को बिंदी वाले 6 अक्षर होते हैं, ठीक है, देखांगे केड़े केड़े हैं। इस विच हिंदी का कोई कम नहीं है, इस विच सिर्फ पंजाबी कम करेगी। ऊपर असी लिखांगे बिंदी वाले अक्षर, पैरी बिंदी, पैरी बिंदी वाले अक्षर, पैर पे बिंदी वाले अक्षर कौन कौन से हैं, सबसे पहले लाइन में देखते हैं, उड़ा एड़ा इड़ी सस्सा हा, सस्सा से बनता है, सस्से पैर बिंदी, श बोले शशा, उसके बाद आंदा है नेक्स्ट लाइन कक्का खखा, खखा खखे पैर बिंदी, ख बोले खखा खखा। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि बिंदी वाले अक्षर वहां पे प्रयोग होंगे जहां पे हमें फारसी या उर्दू का कोई अक्षर बनाने, जैसे है ख से मैं बना रहा हूं खता, खता खता हिंदी का तो अक्षर नहीं है ना पंजाबी का, ये उर्दू या फारसी का है, अखबार, ठीक है, तो ऐसे अक्षर जब लगेंगे तो इसमें ख जो है वो बिंदी वाला आना चाहिए, अखबार, ये थोड़ा सा गले से साउंड आएगी, अखबार अखबार, ठीक है, इसमें थोड़ी सी ह की साउंड भी होती है। और इसमें हम देखेंगे शशा हो गया गग्गा, ग से क्या बन सकता है गम, ये गग्गा गग्गा, ग ये ग नहीं है, ये है ग, इसको ऐसे बोलते हैं, सस्से पैर बिंदी शा बोले, बोलो सारे
खखे पैर बिंदी ख बोले, गग्गे पैर बिंदी ग बोले। जैसे हम बोल रहे हैं गम, बेगैरत, गैबुल, ठीक है, तब ग के नीचे बिंदी आएगी। अब देखते हैं उसके बाद हमारे पास आता है ज, जज्जे पैर बिंदी ज बोले। ये तो बड़ा इजी है, जैसे जहाज हमने लिखा, ये है जज्जा, 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 ठीक है। उसके तो बाद आंदा है फफा, अभी हमने फफा किया ना, वो अल्फाबेट अभी किया ना, एक फफा अक्षर किया है, फफे के नीचे भी जब बिंदी आ जाती है तो ये अरबी फारसी का बन जाता है उर्दू का, इसका मतलब फफा, फ, फौरन, फौरन ये काम किया जाए, फितूर, फैज, ठीक है। जब ऐसे अक्षर, ऐसे शब्द बोले जाएंगे तो ये वाला अक्षर आएगा, पैर पे बिंदी वाला। लास्ट है हमारे पास ल, लल्ले पैर बिंदी ल बोले। तो हमारे पास हैं कुल 6 अक्षर जिनके पैर पे बिंदी है। नोटेड डाउन 1 2 3 4 5 6 नोटेड डाउन, हरी अप। नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। असि फटाफट इना तो शब्द बनाने की कोशिश करांगे। जिन्हों ने नोट डाउन नहीं किया या पिछे रह गए ते वो अज दा कैंप दा लेसन जड़ा आएगा यूट्यूब ते वो दोबारा देख लेंगे, वीडियो पॉज करके आराम नाल लिख लेंगे, ठीक है। चलो असि बनाए अज दे केड़े केड़े अखर, असि केड़े केड़े सीखे अज अखर, पप्पा, तद्दा, कॉपीज देख के बोलो, पप्पा, तद्दा, फफ्फा, बब्बा, यैया। चलो देखते हैं, तुसी नाल नाल दसदे रहोगे की लिखा है सर ने। ये की लिखा है, मैं पहले लिख रहा हूं बाद चो दसांगा की लिखे हैं। चलो पहले ए देख लेंदे हैं की लिखे है, पप्पा और तद्दा तो असी शब्द बनाए, एक ही लिखे है, दसो जल्दी दसो, पहला पप्पा यानी प सिहारी छोटी ई, तत्ता नु कन्ना पिता, पिता, फिर उस तो बाद की लिखे है पप्पा तत्ता, वाहिगुरु, तत्ता ऊपर बिंदी गग्गा पतंग, पा रारा लाम परे, शशा कन्ना ना परेशान, पप्पा रारा चचा कन्ना परचा, परचा वो भी हो सकता है जिवें इम्तिहान दा परचा, यानी क्वेश्चन पेपर, परचा मीन्स पेपर। ए देखो ए की है, उन्हें प है या ध है, ध, तद्दा धद्दा, रारा तत्ता बिहारी धरती, पप्पा कन्ना ध, रारा बिहारी पादरी, पादरी की होंदा जिवें प्रीस्ट होंदे न इंग्लिश विच, असीं प्रीस्ट कहिंदे आ, हिंदी विच असीं मंदिर दे पुजारी नूं पंडित कह दिंदे आ, पुजारी कहिंदे आ, गुरुद्वारे साहिब दे पुजारी नूं की कह दिंदे आ, ग्रंथी सिंह कह दिंदे आ, मॉस्क दे पुजारी नूं मौलाना कह दिंदे आ, इमाम कह दिंदे आ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਦਰੀ, ਪਾਦਰੀ, ਪੋਪ, ਫਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਅੱਧਾ ਐੜਾ ਯਾਨੀ ਅ, ਅੱਧਾ ਧ ਪੂਰਾ ਧ ਕੰਨਾ, ਅੱਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਛੀ, ਪੰਛੀ, ਧਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਬਤਾਨੀ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਅਬ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਤੋ ਯ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਛੋਟੀ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਔਰ ਐੜਾ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਇੱਕ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਈਆ, ਯਈਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈੜੀ, ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜਾ, ਯਾ ਫਿਰ ਸਿਹਾਰੀ ਔਰ ਐੜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਈਆ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਐੜਾ ਜਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਐੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਮਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਮਾ ਯਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਲਿਖਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਾ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਤਬ ਉਹ ਈੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸਾਥ, ਪਰ ਜਬ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਬ ਈੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਬ ਸਿਰਫ ਸਿਹਾਰੀ ਔਰ ਐੜਾ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂ ਤੋ ਗਿਆ ਮੇਂ ਯ ਔਰ ਗ ਕੇ ਬੀਚ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਈੜੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਿਰਫ ਸਿਹਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਐਸੇ ਗਿਆ, ਗਿਆ। ਇਹ ਆਧਾ ਗ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਵੇਟ, ਇਹ ਜਬ ਹੈ ਆਧਾ ਗ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਆਧਾ ਗ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਲਿਖੂ ਬੋਧ ਗਿਆ, ਬੋਧ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬੋਧ ਗਿਆ, ਤੋ ਗਿਆ ਐਸੇ ਆਏਗਾ, ਜਬ ਗਿਆ ਆਏਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਈੜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਤੋ ਯੇ ਯਈਆ ਕਾ ਨਿਯਮ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਈੜੀ ਕੋ ਸਿਹਾਰੀ ਐੜਾ ਔਰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਐੜਾ ਕਹੇਂਗਾ, ਮਾਇਆ, ਸਾਇਆ, ਆਇਆ, ਗਿਆ ਸਭ ਈੜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਯ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੂੰ ਯ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ, ਅਬ ਹਮਨੇ ਯੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲਿਏ, ਅਬ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਪ ਔਰ ਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ ਬ ਔਰ ਯ ਕੇ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਿਟਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਅਬ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਔਰ ਅੱਖਰ, ਅੱਖਰੋਂ ਸੇ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੇ। ਅਬ ਹਮ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੇ ਬਣਾਨੇ ਹੈ ਹਮਨੇ, ਫੱਫਾ ਸੇ ਔਰ ਬੱਬਾ ਸੇ, ਬਤਾਓ ਆਪ, ਆਪ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦੇਖਤੇ ਰਹੋ ਕਿਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫ, ਫ ਕੋ ਐ ਕੀ ਮਾਤਰਾ, ਫ ਕੋ ਐ ਕੀ ਮਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ ਲ ਔਰ ਆ ਕੀ ਮਾਤਰਾ, ਫੈਸਲਾ, ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਫ ਜ਼
बड़े ओ की मात्रा ल, फजूल फजूल, ये स को छोटे ई की मात्रा फ और र, सिफर सिफर होता है जीरो, पंजाबी में जीरो को कहते हैं सिफर, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जीरो, इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है, सिफर मींस जीरो। उसके बाद क्या आता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान, देखो द और आधा ध आया है तो यहाँ पे अधक आ गई, बुद्धिमान, ये क्या है, ब को छोटी की मात्रा ज, ल को बिहारी बिजली, क को छोटी त को आ की मात्रा ब किताब। अब देखो आया, मैं पंजाबी में आया तो लिख दिया पर हिंदी में आया ऐसे लिखना, य पंजाबी में अभी नियम समझाया ना आपको, य की जगह ईडी को सिहारी ऐड़ा भी आ सकता है, ठीक है, पर जब य से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तब य ही आएगा, जैसे यकीन यमुना, यकीन यमुना, नोट डाउन कर लो, फिर अब आपके डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है, हैंड्स डाउन करो पहले, सारे सब अपने हैंड्स डाउन करो, जीरो हैंड्स दिखने चाहिए मुझे स्क्रीन, येलो हैंड जिस जिसके रेज हैं सब डाउन करो, मैंने कहा नीचे करो हाथ, वो और ऊपर करने शुरू हो गए, नोट डाउन कर लिया आपने, बताएं मुझे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, चलो नाउ रेज योर हैंड्स जिसको कोई जेन्युइन डाउट लग रहा है, जिसको लग रहा है कि मुझे डाउट है समझने में, रेज योर हैंड्स, फोर फाइव डाउट्स लेंगे, बाकी आप इस नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, पर अगर होमवर्क किया होगा, मैं पहले पूछूंगा होमवर्क किया है फिर मैं बताऊंगा आपको, चलो अब देखते हैं डाउट्स किस किस के हैं, जिसका नाम लूंगा वो फटाफट रेडी रहेगा अपना माइक अनम्यूट करने के लिए, रशपाल सिंह, रशपाल सिंह अनम्यूट योर सेल्फ, हरी अब, और जिसकी वीडियो ऑन होगी सर उसी को चांस मिलेगा, रश जल्दी जल्दी सवाल पूछांगे, हाँ जी हाँ जी भाई ग्रुप, हाँ जी बोलो, प्रॉब्लम आ रही है, किसमें बेटा, की बोलो जी बच्चे, जल्दी मेरे को कक्षे और गग्गे में प्रॉब्लम आ रही है, की प्रॉब्लम आ रही है बेटा, प्रॉब्लम की आ रही है ये पूछना, इंग्लिश बात हो रही है उसकी, पढ़ना नहीं आ रहा को, बेटा माइक बंद करो, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद करो, नेक्स्ट चांस गोज टू नायसा साहा, नहीं बट इनकी वीडियो ऑफ है, इनको नहीं हम चांस देंगे जिनकी वीडियो ऑन है, श्रवणी को, हरनव सिंह, हरनव सिंह हरी अप, जिन्हा दे हैंड रेज ने फटाफट माइक अनम्यूट करो आप, सर मेनू प्रॉब्लम है बब्बे को बनाने में, ठीक है ये हुआ ना डाउट, डाउट ऐसे पूछते हैं, चलो देखो बेटा बब्बा बड़ा इजी है बनाना, हिंदी वाले मैं इरेज कर रहे हैं, बब्बा बनाना बड़ा इजी है, जिवें हिंदी दा घ बनांदे है ना, बस उस तरह ही बनाने, जॉइन करना है, बस देख लेंदे हैं, देखो हिंदी दा घ इस तरह बनांदे है, इस तरह ही बनांदे है, यस सर, देखो की करना है, सी लाइन बनानी है, एक कर्व्ड एल बनाना है थोड़ा वड्डा, ठीक है, जदों असीं डाणा बनाया सी याद है, इस तरह एल बना के थल्ले ट बनाया सी याद है, Yes, बब्बा बनांदे होए भी इस तरह ल बनांगे, एल बनांगे, आई मीन उस तो बाद एक होर कर्व बनांगे, इस तरह बना लिया, इसनु जॉइन कर दांगे बस दोनों नु, ये बब्बा बन गया, कितना इजी है, आ गया समझ, यस सर, ओके माइक म्यूट कर लो, सर, नेक्स्ट चांस गोज टू जिसका नाम ले रहे हैं फटाफट अपना माइक अनम्यूट करेगा, अगमजोत सिंह, अगमजोत सिंह हरी अप, वाहेगुरु जी का खालसा, सर थोड़े यूट्यूब चैनल का की नाम है, बेटा इन्ना वड्डा वड्डा की लिखा है बोर्ड के ऊपर, जी फॉर ग्रैटिट्यूड, ओ
ओके थैंक यू सर नेक्स्ट चांस गोज टू युवराज सिंह युवराज सिंह टर्न ऑन योर माइक सर मुझे ये पूछना था कि जो टिप्पी अदक और ये सब होते हैं ने बोलते क्या है इनको हम कहते हैं लगा अक्षर लगा अक्षर ये क्योंकि किसी के साथ मिलके एक नया शब्द बना लेते हैं सर और इनमें टिप्पी सर इसमें टिप्पी अदक और एक और जो होता है उसका बिंदी ओके सर टिप्पी अदक और बिंदी ये तीन लगा अक्षर है और इनके नियम अलग अलग हैं बेटा ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे तो ध्यान से आपने होमवर्क कंप्लीट करना है ठीक है बेटा यस सर कर लिया ओके बच्चे नेक्स्ट चांस गोज टू हर असीस कौर हर असीस कौर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह सर मेनू बब्बे बब्बा बनान दी प्रॉब्लम है होने सिखाया सी समझ आ गया नहीं देखो हिंदी दा घ इस तरह जिन्हां दे सेम डाउट होंगे वो नहीं ले जानगे जदों बनाना सिखा रहे हो तो सीख लो घ बनाया हिंदी दा इस तरह हुन एक लाइन पांगे एल बनांगे थोड़ा लंबा जिहा एक होर कर्व बनांगे सेम लेंथ दा और फिर एक लाइन पा देंगे बन गया होर की नहीं बनाना आ रहा कक्का बड़ा ईजी है लाइन बनाई और क्रॉस बनाना है जिम्मे असी टीचर क्रॉस कर दिया बस क्रॉस बना दो बन गया कक्का ओके सर थैंक यू सर नेक्स्ट चांस गोज टू सुखमन सिंह एंड हरनीव कौर अनम्यूट योरसेल्फ सुखमन सिंह एंड हरनीव कौर नेक्स्ट चांस गोज टू मेहरलीन कौर मेहरलीन कौर सर मैनू ना टिप्पी जेड़े शब्द जेड़े शब्दों विच टिप्पी आंदी है ओ शब्द पढ़न नहीं आंदे देखो बेटा टिप्पी जेड़ी आएगी वो अद्धा न या अद्धा म दा साउंड करेगी जिवें पतंग लिखिया किधर गया ए रिया प तंग तो ये नेजल साउंड आ रही है ना आधे न की पतंग ठीक है जेड़ी साउंड नोज विच है उसमें जिवें असीं कह रहे पंछी देखो पंछी किवें लिखांगा मैं पंछी या तो इस तरह लिख सकदा या पंछी आधा न भी पा सकदा पंछी जिवें हिंदी मैं इस तरह भी लिख सकदा या फिर हिंदी बिंदी नाल भी लिख सकदा ते अद्धे न और अद्धे म दी साउंड जिहड़ी है वो टिप्पी हुंदी है ठीक है सर ओके वेरी गुड नेक्स्ट चांस गोज टू गुरबानी कौर रूपरा गुरबानी कौर रूपरा She is not turning her mic on. Next chance goes to Upinder Jeet Kaur. Yes, sir. हाँ जी जल्दी बोलो बेटे एक्टिव रहा करो क्लास में सर इट सर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सर सर थोड़ा विजिबल नहीं होती स्क्रीन एक्चुअली बहुत ब्लर होती है हाँ मैम नेटवर्क इशू हो सकता है कोई बात नहीं जब होमवर्क आते तब आप उसमें देखिए जो कैंप की हाँ जी सर ध थ ख एंड या दे आर क्वाइट सिमिलर तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर देखो बहुत इजी है कंफ्यूजन होने दूर कर देंगे ध और थ ऊपर खुले है ये क्लियर है आपको हिंदी में खुले हैं ऊपर से हाँ जी, तो पहली बात हमने देखना है कि ध और ख जब भी आएंगे ध और थ ये ऊपर से बंद होने चाहिए पंजाबी में उल्टी चलती है पंजाबी ठीक है पहली चीज क्लियर हुई अब ख जो है वो ऊपर से कवर्ड है तो ख को हम ऊपर से खोलेंगे और य बिल्कुल य जैसा बनता है आज ही हमने सीखा ऐसे करके स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना क्लियर होता जाएगा हाँ जी बोलो जी सर कैन यू सर या वन मोर टाइम बता देंगे जी बिल्कुल बिल्कुल सर या हाँ जी देखिए य बनाएंगे ऐसे हिंदी में य बनता है ऐसे ही बनाएंगे हाँ ऐसे ही बनाएंगे हाँ बट यहाँ तक सिर्फ इतना इसके बाद एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर से कवर कर देंगे सिंपल नहीं तो आप आज की जो वीडियो आएगी समर कैंप की मोस्ट वेलकम बच्चे उसको दोबारा देखना है इसीलिए मैं कहता हूँ होमवर्क की वीडियोस दोबारा देखनी है ताकि हमें डाउट क्लियर होते जाएं चलो हाँ जी मोस्ट वेलकम
नेक्स्ट चांस गोज टू अमनप्रीत सिंह बग्गा. अमनप्रीत सिंह बग्गा, दिस इज द लास्ट डाउट वी आर टेक. वीर जी मेरे को वो जो आखिरी वाला शब्द है ना वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है. ये वाला? यस सॉरी, यमुना. ये लिखा है यमुना, य मु ना, यमुना. वीर जी और एक अदक जो होता है, अदक का भी यूज होता है? अदक का यहाँ पे नहीं हो सका. अदक का मतलब यह आधा अक्षर, जहाँ पे आधा अक्षर आए. जैसे देखो हमने लिखा दिल्ली, आधा अक्षर और उसी का पूरा अक्षर जहाँ पे आएगा वहां पे अदक यूज होगा. ठीक है जी, समझ आई जी? ओके सो बेटा हुन मिलांगे असी कल दे क्लास. बाकी जेड़े भी डाउट्स ने तुहाडे तुसी इस नंबर ते व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. बट पहले तो सी होमवर्क कंप्लीट करना है, चैनल नो सब्सक्राइब करके बेल दबानी है, जिससे ऑल आ रहा होएगा ऑल नो प्रेस करना है. ये दो कम करन तो बाद तुसी मेनू डाउट पूछ सकते हो. डाउट पूछ दे तुसी कहोगे सर आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, मैं होमवर्क दी वीडियोस देख लिया, नाउ प्लीज तुसी मेरा डाउट क्लियर कर दो. ठीक है जसविंदर सिंह, ये बच्ची हाथ खड़ा करे क्योंकि मेरी स्क्रीन पे है बट मेनू नहीं पता है ऑन नहीं कर पाएंगे, इन्हां दा नाम लभना पेगा मेनू. एक बार तुसी हैंड डाउन करके दोबारा रेज करो. जसविंदर सिंह हैंड डाउन करो, येलो हैंड. अब बच्चे का हैंड नहीं, येलो हैंड डाउन करके दोबारा रेज करो, टॉप लिस्ट आ जाएगा फिर. जसविंदर सिंह, आई हैव टू सर्च फॉर हर, टाइम इज रनिंग बट मैं फिर भी कोशिश कर दूं जो मैंने दिख जाए. जसविंदर सिंह. हेलो सर. हाँ जी वाहिगुरु. जज्जा कितना लिखते हैं? की बेटा? जज्जा. जज्जा पहले तो बोलना आना चाहिए सानू. देखो असी असी गंगा लिखते हैं वन और टू, सिंपल. देखो वन टू लिखते हैं, वन फिर टू, ये गंगा लिखते हैं. चज्जा बनाते हैं ऊपर यू बनाना है. वन नू भूल जाओ, वन की जगह यू बना दो बस, या फिर वन की जगह वी बना दो और थले टू लिख दो, सिंपल. चज्जा, गॉट इट? थैंक यू. वेलकम बच्चे. अच्छा सारे बच्चों ने घर पंजाबी बोलन की कोशिश करनी है. मापे जो सुन रहे हैं तो पेरेंट्स नू रिक्वेस्ट है कि पंजाबी बोलनी शुरू करो. टुटी फुटी बोलन गए बच्चे बट बोलन दो, एटलीस्ट उन्होंने हैबिट पेगी पंजाबी सुनने की. तुम सारा होमवर्क कंप्लीट करना है और डाउट्स मैंने इस नंबर से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो. ठीक है, फ्रीक्वेंट कॉल्स नो मैं आंसर नहीं कर सकता क्योंकि 5000 तो ज्यादा बच्चे हैं साडे कोल और एक कैंप नहीं है, होर भी बड़े सारे कैंप्स विच मैं इनवॉल्वड हां, वाहेगुरु सेवा ले रहे हैं. तो तुसी व्हाट्सएप पे डाउट पूछ के ते बड़ा पेशेंस रखो कि सर कभी ना कभी रिप्लाई कर ही देंगे जो वाहेगुरु कृपा करें. ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, कल असं मिलते हैं. खुश रहो, हंसते वसते रहो, सदा वाहेगुरु 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 सिमरन करते रहो ताकि सानू हर चीज जल्दी आ जाए, वाहेगुरु की खुशियां प्राप्त. अज की क्लास में इतने खत्म करते हैं, कल वाहेगुरु सिमरन नाल मिलांगे न्यू सैशन. मुहारनी कंप्लीट हो चुकी है, हम असं देखेंगे असं कि नियम कर. ठीक है, अज का होमवर्क कंप्लीट करना है, 13 लेसन आएगा उसका, ए और बी पार्ट दो ने दोनों कर. ठीक है, उस तो बाद असं देखते हैं असं की कर सकते हैं. चलो आओ सारे हाथ जोड़ के गज बज के फतेह बुलाइए, 7 करोड़ रोमा नु खुश कर दईए. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.